हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज श्वेतवी। तो आज मैं आप लोग लेके आई हूँ अगेन मदर डे स्पेशल। मैं दो गिफ्ट आइडियाज लेके आई हूँ, तो चलिए पहला गिफ्ट बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है, एक को मैंने रिंग शेप में कट कर लिया है, एक को मैंने सर्कल जैसा कट किया है, दो पार्ट लिया है मैंने। अब हम टिश्यू पेपर ले लेंगे, उसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और अब दोनों सर्कल के एचेस को हमें टिश्यू पेपर से कवर करना है। यहाँ पे मैंने वाटर एंड फेविकोल का सोल्यूशन ले लिया है और इसी के हेल्प से हम पूरे एचेस को कवर करेंगे। गाइस, अभी तक आपने मेरा मदर डे स्पेशल पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी तुरंत देखिए, वो गिफ्ट भी बहुत ही प्यारा है। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नहीं तो ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप मिस कर देंगे। ये मैंने इसको कम्प्लीट कर लिया है और मैंने कार्डबोर्ड का ही पतली पतली 4 स्टिक मैंने कट करके इसको भी टिश्यू पेपर से मैंने कवर कर लिया है। ये मैंने कार्डबोर्ड से ही रेक्टेंगल शेप में 5 पीसेस कट किया है, ये आप देख रहे हैं। इसके एचेस को भी हम मास्किंग टेप की हेल्प से कवर करेंगे। ये सारे पार्ट्स हैं। अब मैं पेपर ले ली हूँ, इस पे मैं लीव्स बनाऊंगी, लीव्स बना के उसको मैं कट करूंगी। आप यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ये सारी लीव्स को ब्लैक ही पेंट करना है। मेरे पास ब्लैक चार्ट पेपर नहीं था तो मैंने वाइट पेपर पे ही बनाया है। टोटल 5 लीव्स बनानी है हमें। ये मैं हार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, इसे भी आप ब्लैक चार्ट पेपर पे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी क्वान्टिटी में टोटल 5 रहेगा। अब सारे पार्ट को मैं ब्लैक कलर से पेंट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसको बनाने का आइडिया मुझे कैसे आया मैं बताती हूँ। मैं अपनी मम्मा को मदर डे पे गिफ्ट देना था मुझे, तो मैं अमेज़ॉन पे सर्च कर रही थी, तो अमेज़ॉन पे मुझे ये दिखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये मैं मम्मी को भेजती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं खुद भी बना सकती हूँ, तो क्यों ना मैं खुद अपने हाथ से बना के नहीं दूँ, क्योंकि अपने हाथ से बना के गिफ्ट देने की बात ही कुछ अलग होती है। तो मैंने सेम वही कॉपी करने की कोशिश की है। अब हम लिप्स को बीच से ऐसे मोड़ेंगे, देखिए कुछ इस तरह से हम बीच से ऐसे उसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा मोड़ देंगे और फिर हमें बिल्कुल किनारों को कट करना है, हमें इसे लीव्स का ही लुक देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसको कट करेंगे, ऐसे ही हम सारी लीव्स को कर लेंगे। दोनों ही गिफ्ट्स आइडिया जो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा है, रियली आपकी मॉम बहुत ही खुश होंगी। अब हम इस रिंग के बीच में इस सर्कल को रखेंगे और जो मैंने ये छोटी स्टिक जो कट की थी इसको हम कुछ इस तरह से लगाएंगे, ये इस तरह से डिज़ाइन बनेगी इसकी। ग्लू की हेल्प से मैं इसे ऐसे ही लगाऊंगी। देखिए ये मैंने इसे लगा लिया है। अब यहाँ सेंटर पे मैं बेस्ट मॉम लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं गोल्डन एक्रिलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मॉम्स लव या कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने लिख लिया है यहाँ पर। ये मैं ब्लैक थ्रेड ले ली हूँ, ये कॉटन थ्रेड जो आता है वही है, मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं ऐसे डबल पार्ट में कर ली हूँ क्योंकि ये थ्रेड थोड़ा पतला है, आप रोप भी ले सकते हो। और हमें इसे ऐसे ही लगाना है। यहाँ पे मैं ग्लू की हेल्प से इसको स्टिक कर लूँगी। मैंने पहले ही यहाँ पे मार्क कर लिया है कि मुझे कहाँ कहाँ पे इसको लगाना है, मैं वहीं पे लगा रही हूँ। इसमें बीच वाला जो रोप है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, बाकी चारों एक बराबर हैं। मैंने यहाँ पे इसको सिक्योर करने के लिए मास्किंग टेप भी लगा दिया है। इन पीसेस को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं प्लेन क्यों रखी हूँ, तो ये बेसिकली फ़ोटो लगाने की जगह है, जहाँ पे हम मम्मा को जो गिफ्ट दे रहे हैं वहाँ पे हम अपनी और मम्मा के साथ में फ़ोटो लगा के यहाँ पे दे सकते हैं। तो मेरे पास अभी कोई फ़ोटो नहीं है तो मैं कुछ भी ड्रॉ करके अभी लगाऊंगी, मैं लास्ट पे दिखाऊंगी। मैं अभी इसको प्लेन ही रखी हूँ। इसे भी हम ग्लू और मास्किंग टेप की हेल्प से ऐसे यहाँ पर स्टिक कर लेंगे। अब बीच बीच में हम ऐसे हार्ट को लगा देंगे, जहाँ भी हमें लगेगा कि यहाँ थोड़ा सा स्पेस है वहाँ पे हम इसे लगा लेंगे। अब ये जो लीव्स हैं इन्हें भी हम रोप के लास्ट में हम इन्हें सारा स्टिक कर देंगे।
इसे हैंग करने के लिए ऊपर में एक रोप लगा देंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो चलिए अब बनाते हैं दूसरा गिफ्ट। ये मैं एक MDF बोर्ड ले ली हूँ। इसमें मैंने कुछ ड्रॉ कर रखा है, बीच में एक सर्कल बना के वहाँ पे मैंने मदर और बेबी को ड्रॉ किया है और किनारे पे कुछ ऐसे ही डिज़ाइन बनाया है। अब इसके बीच वाले पोर्शन को मैं वाइट एक्रेलिक कलर से कवर करूँगी और किनारे पर ब्लैक कलर से करूँगी। ये पिक्चर जो मैंने बनाया है ये थोड़ा सा मुझे हल्का लग रहा था, मैंने अभी स्केच पेन से बनाया, तो इसको मैं फिर से दोबारा ब्लैक एक्रिलिक कलर से और डार्क कर रही हूँ। ये दोनों गिफ्ट आइडिया जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही इजी है, आप इजीली अपने मॉम्स के लिए बना सकते हैं। अगर आप इसको रिक्रिएट करते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। तो देखिए ये मैंने बना लिया है। मैंने यहाँ पे अब एक गिफ्ट रैपिंग पेपर ले लिया है इस टाइप का, जो हम सबके घर में गिफ्ट्स तो आते ही हैं ऐसे पड़ा रहता है, तो उसी को हमें लेना है, एक बार स्क्विज करना है और फिर हमें इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। हमने जो ये पैटर्न ड्रॉ किया है हम इसी पे इसको किसी भी टूल्स या यहाँ पर मैंने एक नीडल ले लिया है उसी की हेल्प से मैं इसको यहाँ पर लगा रही हूँ। आप देख रहे हैं पूरे बॉर्डर को ऐसे छोटे छोटे पार्ट से फिल करना है। और बीच में थोड़े से बड़े पीसेस को फिल करेंगे। मैं पहले यहाँ पे इस पैटर्न को बनाने के लिए फॉइल पेपर का यूज़ कर रही थी, लेकिन एक ही पैटर्न बना कि मेरा फॉइल पेपर ख़त्म हो गया, मैं बाहर जा नहीं पाई और ये मुझे तुरंत में ही बनाना था। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि और क्या यूज़ किया जा सकता है, तो फिर मुझे ये रैपिंग पेपर मिला, तो मैं सोची चलो इसी को यूज़ करते हैं और इससे भी ये बहुत ही अच्छा बन रहा था। मैं अपने DIY में मोस्टली कोशिश करती हूँ कि ऐसे चीज़ों का यूज़ करूँ जो हमारे आसपास ही हो, जो हमारे घर में ही हमें मिल जाए, हमें बाहर से कुछ लेना ना पड़े। तो मोस्टली मेरे वेस्ट मटेरियल ही यूज़ होते हैं मेरे DIY में। सारे पैटर्न में हमें ऐसे ही फिल कर लेना है। देखिए ये मैंने बना लिया है। अब मैं सिल्वर कलर की स्पार्कल पेन है मैं उससे आउटलाइनिंग कर रही हूँ। ये पेन आपको स्टेशनरी की शॉप पे इजीली मिल जाएगी। स्पार्कल पेन आती है सिल्वर गोल्डन कई कलर में आती है, तो मेरे पास ये रखा था पहले से, तो मैं इसी से बना रही हूँ, नहीं तो आप सिल्वर एक्रेलिक कलर से भी इसको बना सकते हैं। अब ये जितनी भी खाली ब्लैक जगह है वहाँ पर मैं ऐसे ही कोई भी शेप बना रही हूँ, स्क्वायर जो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बस ये हमें फिल करना है। ये मैं पेन की हेल्प से ही पूरा फिल कर रही हूँ किसी भी शेप में। इसे पूरा ऐसे ही बनाना है। ये बन के रेडी है, ये आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है जब ये लाइट का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, तो कितना अच्छा शाइन कर रहा है, बिल्कुल मिरर लुक दे रहा है ये। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।